झारखंड में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो चुकी है। स्टोन माइंस लीज मामले में आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने उनसे पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। आयोग ने उनसे 10 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को एक नोटिस जारी कर इन आरोपों पर अपना रुख बताने को कहा है कि उन्होंने राज्य में एक खनन पट्टा खुद को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया। आरोप साबित हो जाने पर उन्हें राज्य विधानसभा के सदस्य के तौर पर आयोग घोषित किया जा सकता है। एक पदाधिकारी ने कहा, आयोग उन्हें इन गंभीर आरोपों पर अपना रुख पेश करने के लिए एक न्यायोचित मौका देना चाहता है। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया जाता है। बता दें, हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पक्ष में खनन पट्टा जारी किया। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री, खनन मंत्री और वन मंत्री रहते हुए 0.78 एकड़ जमीन रांची के अंगड़ा ब्लॉक के प्लॉट नंबर 482 को आवंटित करवा लिया। मार्च के आखिरी हफ्ते में राज्यपाल ने मामले को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को रेफर कर दिया था। आयोग ने अप्रैल में इस मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से जवाब मांगा। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उन्होंने आयोग को जवाब भेजा था, जिसके बाद आयोग ने सीएम को ये नोटिस भेजा है। आपको बता दें, पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची के अंगड़ा में सीएम के नाम से स्टोन माइंस का पट्टा देने का मामला उठाते हुए इसकी शिकायत न सिर्फ राज्यपाल से शिकायत की थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।